नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कल की फिल्म के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। कल की 2898 9 मई को रिलीज हो रही है, 9 मई को रिलीज हो रही है। और इसका जो मुख्य अपडेट अब आया है दोस्तों सामने, वो ये है कि अभी इसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है। एक गाना फिल्म आया जा रहा है इसका, और उसके लिए इटली गए हैं प्रभास और दिशा पाटनी। वहाँ पे इसका एक गाना पिक्चराइज किया जाएगा और साथ में वहाँ से कुछ तस्वीरें भी आई है प्रभास की और दिशा पाटनी की। काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, काफ़ी अच्छे लुक में वो दोनों नज़र आ रहे हैं। और फिल्म का ट्रेलर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल मेरे पास जो अनाउंसमेंट है वो 1 अप्रैल को ट्रेलर आने की उम्मीद है फिल्म की, और 9 मई को ही फिल्म को रिलीज करेंगे और 2 पार्ट में फिलहाल बनाया जाएगा। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी रिलीज है। ओवरसीज में भी फिल्म बहुत बड़ा कलेक्शन करेगी क्योंकि अब तक बिगेस्ट रिलीज होगी। 600 करोड़ फिल्म का बजट है दोनों पार्ट का मिला करके। और अमिताभ बच्चन है साथ में, लीजेंडरी एक्टर कमल हसन है, और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें, और दीपिका पादुकोण भी है। तो एक बहुत बड़ी फिल्म है, 6000 साल पहले की कहानी है महाभारत के समय की। भगवान कल्कि जो श्री विष्णु जी के 10वें अवतार माने जाते हैं उनसे प्रेरित किरदार यहाँ पे प्रभास निभा रहे हैं। साथ में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा फिल्म में। फिल्म पास्ट से ट्रेवल करती हुई फ्यूचर में बढ़ेगी, आज के 800 साल बाद की कहानी के बारे में भी बात करेगी। तो काफ़ी बड़ा कैनवास है, काफ़ी बड़ी मूवी है, काफ़ी बड़ी उम्मीदें है। कहा जा रहा है कि बाहुबली का रिकॉर्ड अगर कोई फिल्म तोड़ सकती है तो ये फिल्म तोड़ेगी बाहुबली का रिकॉर्ड। जो मतलब बेस तो आप जानते हैं कि दंगल है, KGF Chapter 2 है, पठान है, इनका भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कई फिल्मों का रिकॉर्ड कल की 2898 तोड़ेगी, क्योंकि इसके सेट्स, विजुअल्स, VFX देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतनी ज़बरदस्त इसके एक्शन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे इसके और अपडेट्स आते हैं तुरंत आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।